हेलो एनिम फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ लेकर आई हूँ। और पहला तो है कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ। स्टोरी नहीं, सीरीज है जो काका टीवी पर आएगी और उसको मतलब एपिसोड वाइज जैसे आएगी, जैसा आप देखना पसंद करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा गैस करके, मतलब गैस तो आपको करना है उसका नाम क्या हो सकता है, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या लिख रही हूँ। अगर एक मिनट आपको दिख जाए तो। और हाँ, मैंने आपके पुराने जो वीडियोस हैं, जो कमेंट्स हैं, सारा उनके रिप्लाई कर दिए हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और मेरी ये खुल चुका है, बस इसका नाम ना दिखे, आप नाम तो नहीं देख पा रहे हैं। रुको, मैं थोड़ा कैमरा घुमाती हूँ इधर। ये अच्छा सेल्फी मोड पे दिखा है। और आप गैस करके बताइए फिर भी आपको कैसा क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये है ना। तो सही है, उल्टा दिख रहा होगा ना। हाँ, उल्टा दिख रहा है इसमें। तो आप चेक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि मैं आपके लिए कौन सी सीरीज़ लिख रही हूँ। लेकिन इस सीरीज़ में एक चीज़ स्पेशल है, ये एक लव स्टोरी है। मैं आपको थोड़ा एक हिंट देती हूँ, ये लव स्टोरी है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दुख भी हैं और बहुत ज़्यादा खुशी भी है। उसके अलावा जो भी आप कमेंट में लिखते हो कि ये लाना है वो लाना है, इसमें सारा कुछ है। तो अब मेरी एक बहुत फेमस सीरीज़ रही है जो काफ़ी टाइम पहले आई थी, तो मैं उसके कल कमेंट्स पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि आज उसके कमेंट्स पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट है, सारे नहीं पढ़ पाएंगे, कोई कोई कमेंट उठाएंगे और उसका रिप्लाई करेंगे या फिर उनको क्या बोलना है, थैंक यू बोलेंगे उनका नाम लेके। और वो सीरीज़ है मिर्ज़ापुर एक जादुई नगरी, जिसे मैंने काफ़ी टाइम पहले लिखा था। तो उसको खोलते हैं, वो हमारे चैनल की वो भी एक पहचान है, और चलाते हैं यूट्यूब। और फिर मिर्ज़ापुर किस किस ने देखी है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। और मिर्ज़ापुर आपको कैसी लिखी, कैसी लगी? और मिर्ज़ापुर को लिखने वाली मैं आपके सामने ही हूँ। मेरा फ़ोन आईफोन बज रहा है और अभी हम इसे काट देंगे, ठीक है। आईफोन मतलब फ़ोन काट देंगे, ठीक है। अभी हम इस पे सर्च करते हैं, मिर्ज़ापुर एक जादुई नगरी, ये हमने सर्च किया। एंड सबसे ऊपर आप पता नहीं, देखो मैं थोड़ा कैमरा फिर से घुमाती हूँ। हाँ, आप देख पा रहे हैं ये जो फर्स्ट में सीरीज़ की जो दिख रही है, हम इसको खोलेंगे, ठीक है। इस पे व्यूज़ मैं आपको पहले बता दूँ, जो इस पे व्यूज़ हैं वो देखो काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब 2 करोड़ होने में कुछ ही कम है, 2 करोड़ होने वाले हैं। और आप जाके चेक कीजिए इस पे जो कमेंट्स हैं वो 1175 यानी 1175, जिनको नहीं पता हिंदी में उनको मैं बता दूं, 1175 कमेंट्स हैं। और इतने कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मैं कोई कोई कमेंट्स उठाऊँगी, ठीक है। सबसे पहले जो सॉर्ट बाय कर लेते हैं, न्यूएस्ट फर्स्ट वाला, ठीक है। तो एक दिन पहले भी किसी ने कमेंट किया है, सूरज तुर्काने, गंगा घाट स्नान। और 2 दिन पहले भी, अच्छा मतलब आप इसको अभी भी देख रहे हैं, तो मुझे खुशी हुई देखकर। आप भी जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर इस सीरीज़ को देखिए, बहुत अच्छी है। पूरी जादुई दुनिया है, जादुई नगरी है। एक जो लड़का है वो कैसे अपनी, जो उसको ड्रीम में एक लड़की दिखती है, उसको कितनी मुश्किलों से छुड़ा कर लाता है। बहुत बड़ी कहानी, आप देखिए, पूरे 2 घंटे की है, 2 घंटे से ज़्यादा की है। हाँ, मुझसे इसमें एक जगह हुआ था, वो सही उसने लिखा है कमेंट में। तो एक इसमें मैंने एक बहुत ही एक फ़नी कैरेक्टर बनाया था, जिसका नाम मैंने मैगी रखा। मैगी को मैंने सोचा कि मैगी को कैसे बनाया जाए, फिर एक छोटा सा मैगी है ना, मतलब उसका नाम मैगी रखा, एक छोटा सा बनाया और उसको अच्छे वाले एकदम कपड़े पहनाए कि इसको ऐसे कपड़े होने चाहिए। तो एक ऐसा मैगी काफ़ी अच्छा है, बहुत फ़नी है। फिर उसका एक सोचा कि वो उसका नेचर कैसा रहेगा, तो उसका नेचर फ़नी रहेगा, हर सिचुएशन में एक मजाक वाली बात करना। तो अगर आपने मैगी भी नहीं देखा है तो अभी जाइए मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखिए। और हम कमेंट्स पढ़ते हैं। ये जतिंदर सिंह हैं, उन्होंने लिखा है ऑसम स्टोरी, आज पार्ट 2 देखूँगा क्योंकि मैं रात को पुलिस की जॉब पर होता हूँ। थैंक यू जितेंद्र जी, आप पुलिस में हैं और आप भी स्टोरी देखते हैं अपना जो टाइम है, आपको तो टाइम भी कम मिलता होगा फिर भी आप स्टोरी देखते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टोरी और आपको मैं रिप्लाई कर दूँगी बाद में, मतलब कमेंट पे आपके रिप्लाई कर दूँगी।
आपने लिखा है कि मैगी इज़ वेरी नाइस, स्टोरी इज़ वेरी ओसम और योर वॉइस इज़ वेरी प्रीटी। तो थैंक यू सो मच। एंड हाँ, आपने सही लिखा, उसका नाम सोफिया है, सुजुका नहीं। तो एक जगह यहाँ पे ये हुआ क्या था कि मैं एक दूसरी सीरीज़ भी लिख रही थी जिसका नाम वीर है, उस टाइम उसमें एक लड़की है सुजुका, इसमें सोफिया, दोनों एक साथ लिखते लिखते क्या हुआ कि मैंने एक जगह पर इस दो ढाई घंटे की सीरीज़ में एक जगह पर सोफिया की जगह सुजुका लिख दिया था। तो उसके लिए सब कमेंट करते हैं, तो आप इसमें मैंने आज उसको बता दिया है कि वो मैंने कैसे लिखा। सी जी मानिया नाइस, और ये आर्यन भाई 99 कोई है, और आप अच्छे से नाम रखा करो जिनको मैं पढ़ सकूं, आप अच्छे नाम रखा करो। सोनी गुप्ता थैंक यू, संदीप साहा, क्रिस गोलपा चेपे दिया चे, पता नहीं क्या आप लिख रहे, नहीं मुझे समझ आया, किसी को अगर आता है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू, वैसे आपने जो भी लिखा होगा अच्छा ही लिखा होगा तो इसलिए थैंक यू। ये मोहम्मद अलता, आप पता नहीं, आप रो एक इमोजी भेज रहे हैं, आप रो रहे हैं, एक में हंस रहे हैं, एक में चश्मे लगा कर बैठे हैं, थैंक यू। एंड मैतिबुल अंसारी वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू। सिमरन जैसीम मैगी सो क्यूट एंड फनी, और थैंक यू सिमरन, मुझे यही उम्मीद थी मैगी को लेकर कि मैंने, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने मैगी को ऐसे ही करेक्टराइज़ किया था उसको, कि उसको सबको पसंद आएगा। तो मनीष लाकरा थैंक यू, केसाराम थालौर और रिजवी शाह, नागिन हमरान, सामान डिजिटल हैकर, अजय यादव, मनीष थापा, भाई जिस जिसका मैं नाम पढ़ रही हूँ ना, वो आप समझ लेना कि मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ, है ना, आप समझ जाना कि मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि नाम लेके फिर थैंक यू बोलना पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक साथ नाम पढ़ रही हूँ फिर एक साथ थैंक यू बोल रही हूँ, ठीक है, आप समझ जाइए। उसके बाद है झरना योंजन और संदीप, अमृतराज सहानी, हेलो एनीम स्टोरी प्लीज़ रिप्लाई, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो अमृतराज सहानी एंड ऑल जो भी बात करना चाहते हैं वो आप हमें इंस्टा पे एनिम ग्रुप टीवी एंड फेसबुक पर भी एनिम ग्रुप टीवी पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। बाकी आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा और फेसबुक की आईडी मिल जाएंगी। अच्छा, ये वर्ड ऑल, हाँ ठीक है, आप बोल रहे हैं कि इंग्लिश वर्ड यूज हुआ है, कृपया साहित्यिक वर्ड यूज़ करें, चलो ठीक है, हम इस पर ध्यान देंगे, लेकिन इंग्लिश वर्ड हम यूज़ करते हैं क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा साहित्यिक वर्ड यूज़ करूँगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा साहित्यिक शब्दों का यूज़ करूँगी, का प्रयोग करूँगी, तो आपको भी समझने में बहुत परेशानी होगी, आप मेरी भाषा को, मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो आपकी डेली की जो लैंग्वेज होगी, आपकी जो रोज़ाना की भाषा होगी है, वो उसमें अंग्रेजी के शब्द कहीं ना कहीं शामिल हैं, तो फिर आप मुझे ही बोलोगे कि इतनी संस्कृत क्यों बोल रहे हो जबकि मैं हिंदी ही बोलूँगी। तो ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश के वर्ड का कम से कम प्रयोग करें, कम से कम यूज़ करें। तो आज करूँगी का प्रयोग करूँगी, तो आपको भी समझने में बहुत परेशानी होगी, आप मेरी भाषा को, मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो आपकी डेली की जो लैंग्वेज होगी, आपकी जो रोज़ाना की भाषा होगी है, वो उसमें अंग्रेजी के शब्द कहीं ना कहीं शामिल हैं, तो फिर आप मुझे ही बोलोगे कि इतनी संस्कृत क्यों बोल रहे हो जबकि मैं हिंदी ही बोलूँगी। तो ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश के वर्ड का कम से कम प्रयोग करें, कम से कम यूज़ करें। तो आगे हैं माया कुमारी, सिदनीत लवर्स, प्रकृति ज्ञान सागर, सबको थैंक यू भाई जिसका भी नाम ले रही हूँ। अपना पसंद संजना लिंबू कमलेश, बहुत 1100 से ज़्यादा कमेंट्स हैं, सबका नाम लेना भी पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करते हैं, देखो इसको घूम दिख रहा है क्या, आप घूमते वहाँ, ठीक है, स्क्रॉल होते हैं। फरमान रैन, पूरी एक ही कहानी है या अलग अलग है? पूरी एक ही कहानी है, इसके दो सीजन आ चुके हैं, आप देखिए, कहेंगे तो तीसरा भी उठा लाएंगे। सुहेल खान, के किचन फूड, मैं रैंडम किसी का भी नाम ले रही हूँ, ठीक है, सबका पॉसिबल नहीं है। बच्चों की कॉमेडी, रवि सोरेन, रमेश चौहान, राजेश, एम के वर्मा, पारी साहा, सुशील कुमार,
शेख, शिव चर्चा गीत, रामकृष्ण उबने, ब्रजेश ब्रजेश, भूपेश सिसोदिया भाई, सबको थैंक यू। भीम कुमार, यह कार्टून मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक इट, थैंक यू भीम। प्रेमपाल सिंह, सुरेंद्र कश्यप, आरती राठौड़, वैसे ऐसे मैंने देखा है कि इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट सब अच्छे ही हैं, नेगेटिव कमेंट्स मुझे इस पर नहीं दिखाई देते। तो और सबको पढ़ पाना आप भी जानते हैं कि इम्पॉसिबल है, तो जिसने भी कमेंट्स किए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कभी किसी ऐसी बाकी स्टोरीज़ को भी उठा के वीडियो बनाऊँगी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 11 मिनट का होने वाला है, तो मैं वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और जिसका नाम नहीं लिया गया वो समझ लेना कि मैंने उसको भी थैंक यू बोला है। और चलते चलते चलो एक दो कमेंट्स इधर से उठाते हैं जिसका भी दिखेगा। ये बिरजू बिहार, थैंक यू। इब्राहिम शेख, थैंक यू। एंड लास्ट अनिल चौहान, अमेजिंग स्टोरी वो लिख रहे हैं। निशा, वाओ नाइस वीडियो। शबनम दीवान, नाइस स्टोरी। तो आप सभी को भी थैंक यू। और अभी मैं वीडियो को यहीं बंद कर रही हूँ, तो ऐसे ही देखते रहें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।